प्यार साथियों, देखिए सवाल कौन सा कुछ प्रकार से है। सवाल कुछ प्रकार से कह रहा है कि 1/√9 - √8, कुछ इस तरीके से आगे माइनस के साथ 1/√8 - √7 आगे चलता रहेगा सर, √5 और −√4 तक। अब आप सर, सवाल का जो कॉन्सेप्ट है, यदि मैं उसकी बात करता हूँ तो पहले मैं एक वैल्यू को उठा करके यहाँ लिख रहा हूँ और उसी तरीके से बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, यदि मैं इस वैल्यू को उठा करके यहाँ देखिए किस तरीके से सोल्व करता हूँ, तो आप देखेंगे सर √9 - √8 का मैं परिमेयकरण करूँगा, तो √9 + √8 यानी +√8 से होगा। कुछ तरीके से √9 + √8। अब सर आप यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर बचेगा √9 + √8 अपॉन के अंदर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर और −√8 का स्क्वायर बन गया नीचे, क्योंकि a+b a-b बन रहा है, √ से √ कैंसिल आउट हो गया। तो ये कुछ इस तरीके से √9 + √8 और बटे 9 - 8, जिसका मतलब होगा सर √9 + √8 अपॉन में 1, या फिर √9 + √8 जो है हमारा सवाल, इसका जो है सॉल्यूशन का आंसर होगा। हमने इतना ये देख लिया सर, यहाँ पर क्या आएगा फाइनली, इसका मतलब क्या है √9 + √8 कब, जब ये नीचे वाली संख्या जो सर एक छोटी हो अगली वाली, यानी कि अगर ये 9 है तो अगली वाली 8 हो, उसी तरीके से कोई और है तो उसमें यदि पहली 7 है तो उससे अगली 6 होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे सर, 8 है तो फिर 7, 7 है तो फिर 6, 6 हो तो फिर 5, 5 है तो फिर 4, मतलब कि इनका केवल साइन बदलेगा ऊपर जाने पर। यदि मैं बात करता हूँ सर डायरेक्ट इस वैल्यू की, यानी कि 1/√8 - √7 की, तो सर मैं सीधे लिख सकता हूँ कि √8 + √7, क्योंकि मुझे पता है सर, मैंने एक बार सॉल्यूशन इसका करके देख लिया है, अगली बार भी इसी तरीके से होगा। अब चलिए देखिए हम सवाल का आंसर किस तरीके से प्राप्त करेंगे। ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सर, अब हम सवाल के आंसर तक पहुँचेंगे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सर हम इस मैं इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ सर, √9 + √8 - −। अब मैं इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ सर, √8 + √7, √8 + √7 लिख सकता हूँ, लेकिन सर आगे माइनस है तो उससे ये जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस। चलिए आगे देखिए प्लस है, अब ये है √7 - √6, तो ऊपर क्या बनेगा सर, √7 + √6 बनेगा और साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाहर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस है फिर से। अब देखिए √6 - √5 है तो ये बनेगा ऊपर जाकर के √6 + √5, लेकिन बाहर माइनस है तो ये वाला प्लस क्या बन जाएगा सर, माइनस। फिर आगे देखिए आप सर प्लस है, यहाँ पर √5 - √4 है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सर √5 + √4 बनेगा और साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सर यहाँ पर ये +√8 और −√8, +√7 - −√7, इस तरीके से ये कट गए आपस में। देखिए अब बचा क्या सर, √9 + √4, √9 का मतलब 3 होता है सर और √4 का मतलब 2, यानी कि फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, 5। मतलब कि कहने का ये है सर, यदि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर है ना सर, तो आप मात्र 30 सेकंड के अंदर अपने सवाल का आंसर प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि 1/√9 - √8 लिखा हुआ है तो उसको हम सीधे ही √9 + √8 लिख सकते हैं, और इसी तरीके से आगे भी इस कड़ी में हम जो है इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए अपने आंसर तक चंद सेकंडों में पहुंचेंगे सर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप इस सवाल को देखिए और जो है समझने की कोशिश कीजिए।